वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फोकस फॉर एग्ज़ाम्स। कैसे हो भी आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 का जो आपका अभी एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, 12-13 तारीख को आपका एग्ज़ाम हुआ था, और उसकी जो कल आंसर की भी आ गई थी एसएससी की तरफ से। हालांकि एसएससी आजकल बहुत तेज़ काम कर रहा है, एक दो दिन के अंदर ही आंसर की रिलीज कर दे रहा, तो कल उसकी आंसर की आ गई थी। तो उम्मीद है आप सभी ने आंसर की देख ली होगी उसकी। तो उसी के बेस पर काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि सर सेफ स्कोर क्या रहेगा, क्या हमें इस खेल की प्रिपरेशन करनी चाहिए, पिछले साल से पेपर का अगर कंपेयर करें तो क्या लेवल रहा। तो उसी के ऊपर ये वीडियो छोटी सी, हालांकि कट ऑफ की वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि इसमें कट ऑफ कम बता दो तो दिक्कत रहती, ज़्यादा बता दी तो दिक्कत रहती, ठीक है, पर फिर भी कोशिश है छोटी सी। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं ना पेपर लेवल की। ठीक है, ध्यान से समझना, पेपर लेवल अगर आप पिछले साल के कंपेरिजन में बात करो ना, तो इस साल जो है पेपर का लेवल थोड़ा सा ईजी है। ठीक है, थोड़ा सा ईजियर साइड बोलेंगे। अब कुछ लोगों को ये थोड़ा अजीब लगेगा कि ईजियर साइड क्यों बोल रहे हैं, कि जिनके पिछले साल भी पिछले साल जिनके 150-155 आए, उनके भी इस बार 150 नहीं आए हैं, पर फिर भी पेपर का लेवल थोड़ा ईजियर साइड बोलेंगे। ठीक है, अगर आप रीजनिंग देखें ना, 6 सेक्शन है, ठीक है, मतलब आपका 6 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, तो 6 शिफ्टों की अगर आप रीजनिंग का लेवल देखें ना, तो 1 से 2 क्वेश्चन छोड़ दीजिए, बाकी जो लेवल है इजी है, ये आप कर लोगे। ठीक है, लेंथी क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि 2 घंटे का टाइम है, 2 घंटे में आपको रीजनिंग ही तो सॉल्व करनी है, बाकी तो आपको पढ़ना है और टिक लगाना है। इंग्लिश के पैसेज भी कुछ इतने हार्ड बड़े नहीं आए थे, लेंथी नहीं थे। ठीक है, क्लोज टेस्ट भी ज़्यादा कुछ बड़े नहीं थे, 4-4, 5-5 लाइन के क्लोज टेस्ट, मोर और लेस हर चीज़ अगर आप देखें तो रीजनिंग डुएबल थी। 1 या 2 क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं, थोड़े लेंदी भी थे, कुछ शिफ्ट में क्वेश्चन गलत भी हैं, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, तो पेपर का लेवल जैसा हमें लगा, जितने हमारे बच्चों से बात हुई उन्होंने यही बोला कि पेपर का लेवल जो था वो थोड़ा ईजियर साइड था। ठीक है, हाँ सिली मिस्टेक बहुत हुई है। ठीक है, ठीक, तो पेपर का लेवल वहीं था, रीजनिंग 1-2 को छोड़ दीजिए तो बाकी डुएबल था। वहीं अगर हम बात करें जैसे आपका जीएस सेक्शन की, ठीक है, जीएस सेक्शन में अगर देखा जाए तो जीएस सेक्शन में 25 यानी कि 20 से 25 क्वेश्चन इजीली कर सकते थे, डुएबल थे। हाँ, थोड़े अच्छे क्वेश्चन भी थे जीएस में, स्टैटिक भर रखी थी, करंट अफेयर बच्चे पढ़ के गए थे, करंट अफेयर पिछले एक साल का शायद किसी में 1 क्वेश्चन और किसी में वो भी नहीं है, तो वो एसएससी है, एसएससी की खैर जीएस तो ऐसी रहती है। ठीक है, बट फिर भी आप 20 से 25 क्वेश्चन या इवन 20+ तो आप इजीली कर सकते थे। ठीक है, थोड़ा गैस वर्क करके, मतलब इतना होता होना चाहिए था। ठीक, वहीं अगर इंग्लिश की बात करें तो देखिए, इंग्लिश में बच्चों ने 90+ स्कोर किया है। ठीक है, 90+ बच्चे स्कोर कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि इंग्लिश का लेवल थोड़ा सा पिछले साल से कम है। जैसा अगर आप, अच्छा इस चीज़ को तो आप भी डिनाई नहीं करेंगे कि जो आप मॉक दे रहे थे, चाहे वो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर दे रहे थे, टेस्ट बुक हो, लिप बोर्ड हो, किसी भी उस पर भी दे रहे थे, तो वहाँ जो आपने लेवल देखा था पेपर का, क्या उस लेवल से पेपर टफर साइड था या इजियर साइड था? ठीक है, तो उससे तो आसान ही था, तो इसलिए काफ़ी बच्चे ये भी बोल रहे हैं कि हाँ पेपर इजियर साइड था, वरना पेपर का ओवरऑल पेपर इजी टू मॉडरेट बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गए पेपर के लेवल की बात, तीनों सब्जेक्ट की बात है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, किसी को ये बहुत हार्ड लगा होगा और किसी को काफ़ी आसान भी लगा होगा। ठीक है, वहीं अब बात करते, देखिए ये पूछ रहे थे कि कैंडिडेट्स अपियर कितने हुए हैं, तो देखिए कैंडिडेट्स अपियर की तो बात ये है कि RTI लगा दी है, आज शाम तक या कल तक जैसे ही रिप्लाई आएगा तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर या फिर यूट्यूब पर भी शेयर कर देंगे। ठीक है, अब बात करते, देखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगी, क्या किन्हें स्किल की प्रिपरेशन करनी चाहिए, किन्हें नहीं करनी चाहिए, तो देखिए सीधा सा एक छोटी सी बात है, तो देखिए जिनके मार्क्स 125 से कम है, ठीक है, पहले तो उनकी बात करते हैं, जिनके मार्क्स 125 से कम है ना, यार देखो चाहे आप UR में हो, OBC में हो या फिर आप EWS में हैं, इन तीनों की ST ST की मैं बात नहीं कर रहा हूँ अभी, तो इन बच्चों के लिए देखो सीधा वो है कि यार आप लोग अपने किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हो, अगर आपका कोई एग्ज़ाम है दूसरा, या फिर अगले साल के लिए आप रिटर्न की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, हाँ अगर आपकी स्किल अच्छी है, जैसे अगर आपके मतलब इस स्किल की जो स्पीड है वो आपकी 80, 90, 100 के आसपास है, तो आप दिन के 1-2 मैटर लिखिए,
अगर आपका नाम आ जाता है तो आप स्किल देने चले जाइए, क्योंकि देखिए फाइनल तो होगा नहीं, ये तो आपको भी पता है, ठीक है। अब इसमें आप कहेंगे सर हमारा नॉर्मलाइजेशन में भी तो बढ़ जाएगा, देखिए नॉर्मलाइजेशन में इतने मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन में इतना वेरिएशन कब देखने को मिलता है, जब शिफ्ट ज़्यादा होती है, पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा अप और डाउन होता है। पेपर का लेवल मोर और लेस सेम ही था, ये आप भी देखोगे। हाँ एवरेज स्कोर, अब देखिए बहुत से कह रहे हैं सर एवरेज स्कोर देखेंगे तो सबका इसका कम आ रहा है, इसका एवरेज स्कोर इस शिफ्ट का ज़्यादा आ रहा है। तो देखिए बच्चे लाखों में पेपर देते हैं, और ये जो एनालिसिस के फॉर्म भरते हैं 5,000, 10,000, 6,000, ये स्टेनो के एस्पिरेंट, स्टेनो एस्पिरेंट इन सब चीज़ों में नहीं, वो CGL में, CHSL में, ठीक है, उसमें ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, स्टेनो में नहीं रहते हैं इतने। तो जिनके भी 120, 125 से कम है, वो तो अपना, मेरी तो यही वो है कि आप किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक। अब नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स बढ़ जाएंगे, तो देखिए नॉर्मलाइजेशन में मैक्सिमम 5 से लेके 8 नंबर बढ़ेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी, मतलब हमारे अकॉर्डिंग जितना है कि 5 से 8 नंबर नॉर्मलाइजेशन बढ़ेंगे। अगर आपकी हार्ड शिफ्ट आपको लग रही है तो 8 नंबर बढ़ जाएंगे, वरना 5 से 8 के बीच में बढ़ेंगे, ठीक है। और इतना बढ़ा के 133 हो जाएंगे, तो उसमें भी फाइनल रेस में तो आप फिर भी नहीं हो, ठीक है, फाइनल में नहीं हो। हम फाइनल की बात करें, क्योंकि प्री तो आपका हो जाएगा, इतने में हो जाएगा। अगर आपको प्री देना है, ठीक है, जिन्हें प्री देना है, प्री की जो कट ऑफ जाएगी वो आपकी 125 के आसपास जाएगी, जैसे +-3 कर लीजिए, ये UR की है, ठीक है। अब आप इसी के अकॉर्डिंग अपनी कैटेगरी देख लीजिए, ये प्री की कट ऑफ है, ठीक है। तो आप इसका आइडिया लगा सकते हैं कि फाइनल कितनी जा रही होगी, ठीक। तो अब प्री से भी, अब इसमें सिलेक्शन किन का होता है, जो ग्रेड सी में क्वालिफाई होते हैं, ठीक है, ग्रेड सी वाले बच्चों का सिलेक्शन होता है फाइनल में, ग्रेड डी में भी। ये पिछले साल भी हुआ था, जब वैकेंसी 3700-3800 वैकेंसी थी, ठीक है। तो किसी के वो मत आ जाना कि नहीं यार तुम्हारे 100 इतने हैं तो तुम्हारा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता यार, सब कहने की बात होती है, ठीक है। तो जिन भी बच्चों का 140+ आप स्कोर कर रहे हैं, रॉ मार्क्स अगर आपके हैं, तो आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं, और आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, ठीक है। अब जो बच्चे 125 से 140 वाले हैं, देखिए ये होते हैं बाउंड्री मैन, ठीक, जिनके मार्क्स 125 से 140 वाले हैं ना, आप लोग क्या करिए, अब आप लोगों के लिए बाउंड्री पर हो आप यार, मतलब चांसेस भी हो सकते हैं और नहीं भी। वो किस पर डिपेंड करेगा कि स्किल कितने टाइम में ले रहे हैं, ठीक है, स्किल कितने टाइम में हो रहा है। जैसे अगर मान लिया अब क्या चल रहा है, अक्टूबर चल रहा है, मान लिया दिसंबर में स्किल करवा लिया SSC ने, ठीक है, दिसंबर जनवरी के स्किल करा लिया, ठीक। दूसरा फैक्टर क्या डिपेंड करेगा, मान लिया स्किल का मैटर बहुत अच्छा आया, ठीक है, न्यूज़पेपर आ गया, एडिटोरियल आ गया, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तीसरा, वैकेंसीज अगर इंक्रीज और डिक्रीज होती हैं, तो उन सब फैक्टर पर डिपेंड करेगा कि हाँ आपका चांसेस बनेंगे, वरना अगर आप जितनी अभी वैकेंसीज हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों के भी चांसेस अभी नहीं है मोर और लेस। हाँ 135-140 वाले के बनेंगे, बट जो इस रेंज में हैं उनके लिए ये फैक्टर डिपेंड करेंगे, ठीक है, क्या मैटर आएगा, कितने मंथ में स्किल होगा वगैरह वगैरह। वरना 140+ वाले सेफ मान सकते हैं अपने आप को, और अपनी प्रिपरेशन करिए। 125 से 40 वालों के लिए थोड़ी दिक्कत है, बाउंड्री पर है, पर आप स्किल के साथ साथ अपने दूसरे एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि 140 वाले ही करें, देखिए आपने पिछले साल का भी देखा था, 130+ 6,000 बच्चे थे, मानते हो इस बात को, 130+ 6,000 बच्चे थे, 130+ मार्क्स जिनके 6,000 बच्चे थे, और उन्हीं का ही सिलेक्शन हुआ था ग्रेड सी में भी और ग्रेड डी में भी, फाइनल कट ऑफ आपने देखी होगी, ठीक। तो इस बार वैकेंसी भी कितनी है, 1,000 के आसपास है, ठीक है। तो आप इतना आइडिया खुद भी लगा सकते हो क्या कैसे हो सकता है, ठीक है, क्या चीज़ें चलेंगी। तो हाँ जिनके 135+ बन रहे हैं वो अपने अच्छे से तैयारी करें, ठीक है, 135+ वाले हमारे अकॉर्डिंग फाइनल के चांस रहेंगे, 135+ वाले स्किल की प्रिपरेशन करें। और बाकी फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा कि कब स्किल हो रहा है, क्या स्किल का मैटर कैसा है ना, अभी एकदम से ये नहीं समझते कि नहीं हमारे तो इतने नंबर है, स्किल के मैटर पर भी डिपेंड करेगा, मैटर अच्छा आ गया तो सब बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, बाकी जो आपकी क्वेरीज हैं वो आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। किसी को और कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ SC ST वाले यार थोड़ा उसी अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है, मेन UR और OBC ही रहता है। तो यही था हमारे अकॉर्डिंग, तो इतना ही था, बाकी
बाकी करवाएंगे यार, अब उसमें दो तरह की कट ऑफ आ देंगी यूट्यूब पे, जो आपका 115 पर भी सिलेक्शन कराएंगे और जो कह देंगे कि 150 पर भी नहीं होगा, तो आप उनके साथ देखिए अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।